राजनीति के संत प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश जोशी का विगत दिनों निधन हो गया था। राजनीति के संत कैलाश जोशी की अस्थि कलश यात्रा का काकापुर में हुआ भावपूर्ण स्वागत। कांग्रेस नेताओं ने भी पुष्प वर्षा कर दी श्रद्धांजलि। राजनीति के संत पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी की अस्थि कलश यात्रा काकापुर पहुंची, भावपूर्ण स्वागत। कांग्रेस नेता भी हुए भावुक की पुष्प वर्षा। राजनीति के संत प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी का विगत दिनों निधन हो गया था। मध्य प्रदेश के गौरव स्वर्गीय कैलाश जोशी का बागली विधानसभा से विशेष लगाव रहा है। बागली विधानसभा के क्षेत्रवासियों के आह्वान पर अब उनकी अस्थि पुष्प कलश यात्रा संपूर्ण बागली विधानसभा क्षेत्र में निकाली जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को यात्रा बोर पड़ाव से शुरू होकर पुंजापुरा, काटाफोड़, लोहारदा, सतवा होते हुए मां नर्मदा के घाट फतेहगढ़ पहुंची, जहां पर उनकी अस्थि पुष्प विसर्जित किए गए। प्रत्येक नगर व ग्रामवासियों ने स्वर्गीय कैलाश ज्योति की पुष्प कलश यात्रा का पुष्प वर्षा कर नम आंखों से स्वागत किया। नगर काटाफोड़ में प्रत्येक वर्ग के लोगों ने उनकी पुष्प यात्रा का भावपूर्ण पुष्प वर्षा कर स्वागत कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय जोशी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी के नेता राजेश होलानी व उनके समस्त कार्यकर्ता भी उनकी इस अस्थि कलश यात्रा के दौरान भावुक हो गए और पुष्प वर्षा कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। क्षेत्रीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, क्षेत्रीय विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे व उनके सुपुत्र पूर्व मंत्री दीपक जोशी के नेतृत्व में यह यात्रा संपूर्ण बागली विधानसभा क्षेत्र में निकाली गई। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष महेश दुबे, वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह बग्गा, बलवीर सिंह बग्गा, डॉक्टर बीपी मालवी, मंडल अध्यक्ष सुनील पटेल, दीपक धारीवाल, पुरुषोत्तम बियाणी, संतोष चौबे, सुशील पटारी, आशुतोष पारासर, दिलीप अग्रवाल, प्रिंस भाटिया, आशीष तिवारी, नाना राजपूत, राजा तिवारी, शैलेश जायसवाल उपस्थित रहे। यात्रा का संपूर्ण क्षेत्र में सभी लोगों ने अपने अपने घरों से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।